ये देखिए कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इतना मस्त दिखने लगा ना, ये देखिए। चलिए उल्टाते हैं, इधर हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं साइन सोला शंकर स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो में। तो अभी सुबह हो चुका है और हम सुबह सुबह जा रहे हैं अभी लकड़ी लाने, और माँ का तबीयत अच्छा हो गया ना माँ? हाँ, तो अभी आप नए जाइए, अभी थोड़ा आराम कीजिए आप, है ना? हम लकड़ी लेकर के आते हैं। हाँ, और पत्ता भी लेते आएंगे। हाँ, आज बत्तख अंडा दिए हुए है ना, वो हाँ, सबको आज पत्ता रोटी बनाएंगे। हाँ, खाएंगे ना? खाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, हम तब चलते हैं। हाँ, लकड़ी भी लेते आएंगे। हाँ, और सखो का पत्ता भी लेते आएंगे। हाँ, ठीक है, चलते हाँ, हैं। चलिए जल्दी लेकर के आते हैं। हम घर से निकल गए हैं और इधर जंगल किनारे आ गए हैं, और ये देखिए रास्ता का नज़ारा इस प्रकार अभी है। 2 महीना होने चला लेकिन अभी तक और स्टार्ट नहीं हुआ है। अब स्टार्ट हो गया कि नहीं, और ख़राब कर दिया है रास्ता, इतना ख़राब कर दिया है ना कि हर एक दिन एक ना एक गिरते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे निशान है, आज भी कोई गिरे हुए हैं, रोज़ एक ना एक गिरते रहते हैं। चलिए अब कब बनना स्टार्ट होगा। आधा जंगल उठ चुके हैं और इधर देखिए जंगल का नज़ारा कुछ इस प्रकार है यहाँ पास। चलिए और अभी जितना उठे हुए हैं इधर से और उतना उठना है, अभी और सारा जंगल है, तब पाएंगे सखुआ का पेड़, तब वहाँ पत्ता तोड़ेंगे, फिर लकड़ी भी चुनना है, तो पूरा जंगल उठना होगा। ये देखिए जंगल का रास्ता कुछ इस प्रकार है, पूरा एकदम गाढ़ा ढूढ़ा रहता है, इसी में उठना होता है एकदम अच्छा से देख करके, नहीं तो पैर फिसल गया तो फिर पैर मुरक जाएगा, तो इसीलिए बढ़िया से चलना होगा। हम जंगल का कुआं का पास पहुंच गए हैं और ये देखिए अभी भी पानी है, पूरा धूप का सीजन आ गया है लेकिन अभी भी पानी है। ये और धूप रहेगा लेकिन फिर भी इतना पानी रहेगा, ये कभी नहीं सूखता है, एकदम जंगल का बीचों बीच है। ये बहुत ही ब्रिटिश जमाना का कुआं है, छोटा सा गड्ढा है लेकिन पूरा पानी रहता है। चलिए पूरा जंगल उठ गए हैं और चलिए अब उधर चलते हैं, उधर है सखुआ का पत्ता, तो उधर तोड़ेंगे और इधर उधर लकड़ी खोजेंगे और फिर ले करके चलेंगे। चलिए हम सखुआ का बागान पहुंच चुके हैं, ये देखिए पूरा चारों तरफ से सखुआ का पेड़ नज़र आता होगा, और ये देखिए पूरा इधर बड़ा बड़ा पेड़ है, और इधर आ गए ना, इतना अच्छा लगने लगा ना, ठंडा भी पूरा लगने लगा, पूरा हवा बह रहा है ना, मज़ा आ रहा है। उतना भी ज़्यादा नहीं बह रहा है, थोड़ा थोड़ा बह रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए पत्ता ही सब थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं। चलिए इधर जंगल का मज़ा लेते हुए पत्ता तोड़ते हैं और ले चलते हैं, थोड़ा अच्छा अच्छा तोड़ेंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर लेकिन दिखता है पत्ता। चलिए और सारा खोजते हैं, अच्छा अच्छा तोड़ करके ले जाएंगे, नहीं तो छेद वाला ख़राब हो जाएगा। चलिए ये देखिए इधर बहुत ही सारा है, इधर खोजते हैं और ले करके चलेंगे। इतना सारा पत्ता ऊपर साइड तोड़ लिए और इधर आ गए हैं, और ये देखिए यहाँ पे और भी अच्छा अच्छा पत्ता है। चलिए ये सबको तोड़ते हैं, ये तोड़ दिए, ये भी तोड़ देते हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा है क्योंकि पतझड़ हो करके फिर अच्छा तरीके से जन्म गया है, इसीलिए और अच्छा दिखता है। ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर। चलिए काम भर तोड़ करके ले जाएंगे, ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, और फिर लकड़ी भी खोजना है। चलिए इधर बहुत ही सारा है, ये सबको पूरा तोड़ते हैं और लेकर के चलते हैं। इतना सारा पत्ता तोड़ लिए पूरा घूम घूम करके, और इतना ही सारा में हो जाएगा, तो चलिए थोड़ा बैठ लेते हैं और फिर चलेंगे लकड़ी खोजने। चलिए इधर पत्ता को रख देते हैं, ये रख दिए, अब थोड़ा देर तक आराम करेंगे फिर लकड़ी खोजना होगा। अभी इधर तुरंत लकड़ी मिल जाएगा, बहुत देर तक आराम कर लिए, अब चलिए पत्ता को यहीं रहने देते हैं और चलिए लकड़ी खोजते हैं, इधर बहुत ही सारा लकड़ी मिल जाएगा। चलिए खोजते हैं और लेकर के चलते हैं जल्दी। ये देखिए इधर लकड़ी मिल रहा है, चलिए इस सबको जमा करते हैं इस साइड, इधर बहुत ही सारा मिल रहा है, चलिए इस सबको उठाते हैं और ले करके चलते हैं, इधर भी है, इधर भी है और उधर भी है, चलिए इस सबको जमा करते हैं।
एक जगह देखिए अच्छा अच्छा है, ऐसा ऐसा चार पांच ठो मिल जाएगा ना तो पूरा एकदम हो जाएगा। तो इतने ही सारा लेकर के चलेंगे क्योंकि ज़्यादा धूप भी है। चलिए जमा करते हैं, ये देखिए इतना अच्छा अच्छा है ना। उधर भी है, वो सब को लाते हैं। बहुत ही मस्त मस्त है। चलिए और सारा उधर खोजते हैं, इतना सारा खोज लिए हैं, चलिए इतने ही सारा ले जाएंगे क्योंकि काफ़ी धूप भी लग रहा है और रस्सी भी नहीं लेते आए हैं। चलिए जंगल का रस्सी खोजते हैं और ले करके चलते हैं और पत्ता भी बांधेंगे, उधर से ले आना होगा पत्ता को और रस्सी भी खोजना होगा। ये देखिए ये जंगल का रस्सी है, ये तो सूखा हुआ है। चलिए जिंदा वाला खोजना होगा, रस्सी मिल गया जंगल का। चलिए अब पत्ता भी बांधते हैं और लकड़ी भी बांधेंगे और लेकर के चलेंगे। सब अच्छा तरीके से बांध लिए, अब चलिए लेकर के चलते हैं। चलिए ज़्यादा भारी नहीं है, हलुक हलुक ले जाना है। अब चलिए जंगल से जल्दी निकलते हैं, सखुआ का बागान से निकल गए हैं। अब चलिए घर की ओर चलते हैं, इसी फोर लाइन में, जंगल का फोर लाइन ऐसा ही रहता है। जंगल से उतर गए हैं, अब कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे। और ये देखिए हमारे गांव का सिक्स लाइन कैसा है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। घर पहुंच गए हैं, अब चलिए इधर रख देते हैं, ये रख दिए। चलिए पत्ता को इधर रख देते हैं, ये रख दिए। अब चलिए पानी पीते हैं, पानी पी लिए। अब चलिए पैर हाथ धोते हैं और बत्तख अंडा का पत्ता रोटी बनाएंगे। तो चलिए धो करके आते हैं, हम धो करके आ गए हैं। और ये देखिए माँ अभी पत्री टीप रही है, अभी बनेगा बत्तख अंडा का पात पड़वा रोटी ना माँ? हाँ हाँ, तो अच्छा तरीके से टिपिए। ये माँ पुराने जमाने तरीका से बनाएगी बत्तख अंडा का पात पड़वा रोटी, तो सोच रहे हैं कि हम भी सीख जाएंगे और आप लोग भी सीख जाइए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है ना। हाँ माँ एक ठो पत्तल टीप ली, तो देखिए माँ वहाँ ताई में देख करके साइज का हो रहा है? ठीक हो जा रहा है ना? हाँ। पूरा अच्छा तरीके से बन जाएगा रोटी। चलिए चार ठो पत्तल टीप ली माँ, ये देखिए एक दो तीन एक चार, और सब सामान जुगाड़ कर लिए। ठीक माँ हम लाते हैं बत्तख अंडा। चलिए बत्तख अंडा लेकर के आते हैं, बत्तख ही सब पास पहुंच गए। और ये देखिए माँ इधर अंडा को रखी है सब जमा करके, ये देखिए इतना सारा अंडा है बत्तख का। चलिए लेकर के चलते हैं, छह ठो बत्तख हैं, इधर तीन ठो हैं और अंदर में तीन हैं। लेकर के आ गए अंडा, लीजिए माँ ये देखिए इतना सारा ढेर है ना। ये देखिए माँ इतना सारा अंडा निकाल ली, चार ठो, और चार ठो रहने दीजिएगा। हाँ चलिए, एक दिन में चार को खाना है? हाँ। चलिए अच्छा है, चलिए लीजिए बनाइए, लीजिए इसमें फोड़िए ना, इतना मस्त दिखने लगा ना। ये देखिए दो ठो अंडा फोड़ ली माँ और मिला भी ली, और दो ठो अंडा बच गया है, इसको पहले एक ठो रोटी बना लेंगे फिर और एक फोड़ेंगे और बनाएंगे ना माँ? हाँ। हाँ तो चलिए डालिए तेल, बीच में दीजिए ना, बीच में, और इसमें मिला दीजिए। हो गया मिलाया हुआ, आप चलिए वहाँ पे चढ़ाई चढ़ा दिए वहाँ ताई को। अब चलिए आग जलाते हैं, थोड़ा गर्म होगा और अंडा को डाल देंगे ना माँ? हाँ। ये देखिए माँ डालने लगे, चलिए हो गया, ये ढक देते हैं, ये ढक दिए। चलिए देखते हैं हुआ है कि नहीं, ये हो गया, ये देखिए पूरा एकदम फूल गया ना माँ? और मस्त पका है। हाँ। तभी आँच नहीं लगता था। हाँ। चलिए उल्टाते हैं, इधर हो गया अच्छा तरीके से, चलिए ये हो गया, मिस्टेक हो गया, इधर हो गया ना। चलिए फिर से आग जलाते हैं, पकेगा अच्छा तरीके से। ये देखिए दोस्तों पूरा अच्छा तरीके से पक गया और पूरा ये फूल गया, बहुत ही अच्छा पका ना माँ? चलिए इसको नभा दीजिए,
लीजिए। चलिए ये रख दिए यहाँ पे, अब हो गया, उतार दीजिए। माँ ताई को उतार दिए और चलिए माँ अब इसको टेस्ट करते हैं, अंडा का पात पड़वा रोटी, बत्तख अंडा का ना माँ। हाँ। चलिए ये देखिए कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। हाँ देखिए, वहाँ से निकालिए पत्ता से, कितना अच्छा बना हुआ है, बहुत ही मस्त बना हुआ है। हाँ। आप लोग ऐसे ही खाते थे? हाँ। इतना मस्त पका है और सेंट भी बहुत अच्छा दे रहा है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। चलिए खा के आप लोग को बताते हैं कैसा लगता है। माँ तो खाए हैं पहले, दीजिए हाफ खींचा दीजिए ना, खाते हैं थोड़ा, बहुत ही अच्छा टेस्टी सेंट आ रहा है। चलिए ये दे दिए, चलिए आप खाते हैं, आप भी खाइए कैसा लगता है, आप भी टेस्ट कीजिएगा तब ना। हाँ चलिए टेस्ट करते हैं। बहुत ही मस्त लगा माँ। हाँ। हम लोग अच्छा तरीके से खा लिए और पापा के लिए भी रख दिए हैं, और आप लोग भी ऐसे बना करके खा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही कम समय में बन जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ। ना माँ। हाँ, हाँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों बाय बाय।